नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक की प्रमुख खबरों को। बिहार की खराब होती स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जिलों के सिविल सर्जन की नियुक्ति में बड़ा फेरबदल किया है। शुक्रवार को विभाग के द्वारा 9 जिलों के सिविल सर्जन के ट्रांसफर का आदेश जारी किया गया। इन जिलों में नए सिविल सर्जन बनाए जाने का आदेश जारी किया गया। उनमें जमुई, बक्सर, नवादा, पश्चिम चंपारण, जहानाबाद, औरंगाबाद, खगड़िया, शेखपुरा और पटना शामिल है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में, मेरे फोन में पेक्सास था, कई सारे नेताओं के फोन में भी पेक्सास था। इंटेलिजेंस ऑफिसर ने मुझसे कहा था कि फोन पर संभल कर बात करें क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है। दुनिया भर में पेगासस 2 साल पहले विवादों में आया था। उस समय एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि पेगासस के जरिए दुनिया भर के पत्रकारों और राजनेताओं की जासूसी की गई थी। इसमें 300 भारतीयों की जासूसी होने का दावा भी किया गया था। मेरा डीएनए गजनी गौरी मोहम्मद जिन्ना से नहीं मिलता है, मेरा डीएनए पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी महाराज जैसे लोगों से मिलता है। उन्होंने कहा वह शत्रु है, इसलिए मेरा डीएनए उनसे नहीं मिल सकता, न मिलेगा। उन्होंने इतिहास में जो किया है प्रवीण तिगारिया उसे कभी माफ नहीं करेगा। उन्होंने आरएसएस छोड़े जाने के संबंध में कहा था कि हम निकले थे साथ काशी मथुरा और अयोध्या हिंदुओं के कल्याण के लिए, पर उसमें भी कुछ साथी मस्जिद चले गए। उत्तर पूर्वी राज्यों में भाजपा के प्रदर्शन से गदगद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भाजपा केरल में भी सरकार बनाएगी। प्रधानमंत्री के इस बयान पर लेफ्ट और कांग्रेस के एक सुर में कहा गया है कि केरल भाजपा के लिए सिर्फ एक सपना है। तमिलनाडु में उत्तर भारतीयों पर हुए हमले को लेकर राज्य प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि सभी उत्तर भारतीय पूरी तरह से सुरक्षित है, उन्हें भय में रहने की कोई जरूरत नहीं है। प्रशासन ने कहा है कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें सर्कुलेट हो रही हैं, लेकिन वे पूरी तरह से सही नहीं है। पुलिस ने कहा है कि फेक वीडियो प्रसारित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिंडनबर्ग डिस्चार्ज रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर में जबरदस्त गिरावट देखी गई। इसका असर यह हुआ कि अडानी अरबपतियों की लिस्ट में गिरकर 37वें नंबर पर पहुंच गए, लेकिन अब उनकी कंपनियों के शेयर में 4 दिन से लगातार तेजी देखी जा रही है। इतना ही नहीं, कई कंपनियों के शेयर में तो खुलते ही अपर सर्किट लग रहा है। शेयरों में तेजी से आ रही रिकवरी के बाद मार्केट कैप 1,00,000 करोड़ से ज्यादा ऊपर चढ़ गया है। होली में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर बिहार पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। कुछ गाइडलाइंस भी शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने होली पर विधि व्यवस्था समेत कई अन्य जानकारियां दी। जेएस गंगवार ने कहा कि होली शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। इसे लेकर पुलिस मुख्यालय से सभी जिलों में आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए। जिला स्तर पर शांति समिति की बैठक भी हो रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि चुनाव नतीजे दिखाते हैं कि कांग्रेस का सुपड़ा एक बार फिर से साफ हुआ और राहुल गांधी फिर से विदेशी धरती पर रोने धोने का कार्य कर रहे हैं। नतीजे क्या आएंगे उन्हें पता था और पेक्सास कहीं और नहीं बल्कि उनके दिलो दिमाग में बैठा हुआ है। विश्व में पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत का जो मान सम्मान बढ़ा है, दुनिया भर के नेता उसकी बात करते हैं। राहुल गांधी किसी और की नहीं तो कम से कम इटली के प्रधानमंत्री की बात सुन ले, जिन्होंने कल कहा कि पीएम मोदी दुनिया के सबसे पसंदीदा नेताओं में से एक है और वर्ल्ड लीडर है। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की पिटाई मामले में जांच के लिए नीतीश कुमार सरकार ने तमिलनाडु एक जांच टीम भेजने का निर्णय लिया है। शुक्रवार को विधानसभा में हंगामे के बाद नीतीश कुमार ने डीजीपी को बुलाकर यह निर्देश दिया है कि तत्काल एक टीम गठित कर तमिलनाडु भेजी जाए। इधर लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने तमिलनाडु की घटना को लेकर चिंता जताई और अमित शाह, एमके स्टालिन और नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। इनकम टैक्स विभाग आधार और पैन लिंकिंग के लिए 31 मार्च 2023 तक 1,000 रुपए की पेनल्टी ले रहा है और यह डेडलाइन खत्म होने के बाद वह पेनल्टी में बढ़ोतरी कर सकता है, क्योंकि 30 जून 2022 के बाद से इनकम टैक्स विभाग ने पेनल्टी को डबल कर दिया था। ऐसे में 31 मार्च के बाद एक बार फिर से पेनल्टी बढ़ाई जा सकती है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते भारत और भारत की जनता का अपमान करते हैं। वे भारत की संस्थाएं जैसे सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, मीडिया सभी की आलोचना करते हैं। आपने मोदी जी के खिलाफ अनर्गल आरोप लगाए हैं, आप भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर है, फिर भी आपको बेबुनियादी आरोप लगाने की आजादी है या नहीं, लेकिन आप विदेश जाकर भारत का अपमान करेगी, राजनीतिक शिष्टाचार नहीं है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार ताइवान की चीप पर स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन कर्नाटक में एक नया प्लांट लगाने की तैयारी में। इसके लिए कंपनी अब कर्नाटक में 700 मिलियन डॉलर के निवेश से नया प्लांट लगा सकती है। एप्पल के लिए आईफोन बनाने वाली ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन के इस कदम को चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि दुनिया की 2 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ते तनाव के कारण फॉक्सकॉन अब चीन से अपना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भारत में शिफ्ट कर रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित रायसीना संवाद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में काम करने के तरीके को समझाने के लिए क्रिकेट का सहारा लिया। विदेश मंत्री ने पीएम मोदी की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए कहा है कि इसमें उनकी कार्यशैली, अच्छे और बुरे समय में नेतृत्व, सावधानी पूर्वक तैयारी शामिल है। डॉक्टर एस जयशंकर ने क्रिकेट सादृश्य का हवाला देते हुए कहा कि कप्तान मोदी के साथ नेट अभ्यास सुबह 6 बजे शुरू होता है और काफी देर तक चलता है।
भारतीय सेना के जोश से तो पूरी दुनिया परिचित है। माइनस में तापमान वाले इलाकों में भी भारतीय सेना के जवान हमेशा डटे रहते। इस बीच लद्दाख के गलवान घाटी से सेना के जवानों की खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। सेना के जवान गलवान घाटी में क्रिकेट खेलते दिखे। तस्वीरों में त्रिशूल डिवीजन के पटियाला ब्रिगेड के जवान पूरे उत्साह और जोश के साथ बैट बॉल पर अपना हाथ आजमा रहे हैं। कर्नाटक हिजाब मामला तुरंत सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। एक वकील ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ से कहा है कि हिजाब की अनुमति न होने के कारण कई लड़कियां 9 मार्च से शुरू होने वाले परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। इस पर जवाब देते हुए सीजेआई ने कहा है कि होली की छुट्टी के बाद सुनवाई के लिए बेंच का गठन करेंगे। दरअसल होली के कारण 12 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी रहेगी। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन इन दिनों भारत के दौरे पर है। पीटरसन कई कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की है कि जिसमें राज्य के पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमन सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धन के लिए अतिरिक्त लालच ने भ्रष्टाचार को कैंसर की तरह विकसित करने में मदद की। संवैधानिक अदालतों का देश के लोगों के प्रति कर्तव्य है कि वे भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता दिखाएं और अपराध करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की राजनीति एकदम बदली हुई नजर आ रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी को सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि देश भर में रोकने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में अगर सपा अध्यक्ष की राजनीति पर गौर किया जाए तो ये देखने को मिलेगा कि वो इस दिनों यूपी से बाहर जाकर ऐसे नेताओं से दोस्ती बना रहे हैं जो गैर कांग्रेसी और बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश में है। हालांकि फिलहाल इसकी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन ये एक ऐसे मोर्चे की सुगबुगाहट है जो गैर कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ बनता दिख रहा है। विश्व बैंक और भारत ने शुक्रवार को देश को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को सपोर्ट करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए $500 मिलियन के दो पूरक ऋण पर हस्ताक्षर किए। मल्टीलेटरल एजेंसी ने एक बयान में कहा है कि $1 बिलियन के इस संयुक्त वित्त पोषण के माध्यम से विश्व बैंक भारत के प्रमुख प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का समर्थन करेगा ताकि देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किया जा सके। नेपाली प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने शुक्रवार को 7वीं अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक कांग्रेस का उद्घाटन करते हुए कहा कि उनकी सरकार आयुर्वेद को लोकप्रिय बनाकर स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देगी और सबसे आवश्यक औषधीय जड़ी बूटियों के आयात और निर्यात को व्यवस्थित करने के लिए निर्णय लेगी। उन्होंने नेपाल की सबसे पुरानी आयुर्वेदिक दवा बनाने वाली कंपनी सिंह दरबार वैद्यखाना को बहाल करने और उसे राष्ट्रीय गौरव परियोजनाओं के रूप में उन्नत करने का वादा किया है। महिला प्रीमियर लीग के शुरू होने के साथ ही भारतीय क्रिकेट में नए युग का उदय होगा, जहां महिला खिलाड़ियों को अपने खेल को अगले स्तर पर ले जाने के लिए जरूरी अनुभव मिलेगा। गुजरात जॉयंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच आज होने वाले मुकाबले से इस लीग की शुरुआत होगी। भारतीय ओलंपिक संघ अध्यक्ष पीटी उषा ने शुक्रवार को कहा है कि इस साल के अंत में होने वाले एशियाई खेलों के लिए एथलीट अच्छी तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए विभिन्न ट्रेनिंग शिविर अच्छे चल रहे हैं। उषा ने यहां लिटिल मिलेनियम किड्स मैराथन लॉन्च के मौके पर पत्रकारों से कहा है कि एशियाई खेल इस साल है और ओलंपिक भी अगले साल है। विभिन्न राष्ट्रीय शिविरों में काफी तैयारियां चल रही है। सरकार पहले ही विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय शिविर आयोजित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम अहमदी और पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यव्रत मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष रह चुके सत्यव्रत मुखर्जी का लंबी बीमारी के बाद शुक्रवार को निधन हो गया। उनकी उम्र 90 साल थी। राजनीति में आने से पहले वह अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी रहे। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी कोटा लागू करने को लेकर ऑल इंडिया मेयर्स काउंसिल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश के मेयर्स की अपील की है कि उन्हें स्थानीय निकाय नियमावली की धारा 15 के मुताबिक अपने पद पर बने रहकर काम करने दिया जाए। काउंसिल के वकील ने कहा है कि हमारे पास इसके अलावा भी कई मजबूत दलीलें हैं जिनके आधार पर हमें निर्बाध काम करने का अवसर मिलना चाहिए। कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए 3 हफ्ते के लिए सुनवाई टाल दी है। तेलंगाना सरकार ने विधानसभा द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राज्यपाल के कथित रूप से मंजूरी नहीं मिलने को लेकर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार मुख्य सचिव के माध्यम से दायर राज्य सरकार की याचिका पर होली की छुट्टी के बाद सुनवाई होने की उम्मीद है। विधेयकों के संबंध में निर्णय लेने में कथित देरी को लेकर राज्य सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय का रुख करने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राज्यपाल तमिलीसाई सुंदरराजन ने आज कहा है कि मैत्रीपूर्ण बातचीत अधिकार मददगार होती है। विधेयकों के संबंध में निर्णय लेने में कथित देरी को लेकर राज्य सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय का रुख करने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राज्यपाल तमिलीसाई सुंदरराजन ने आज कहा है कि मैत्रीपूर्ण बातचीत अधिक मददगार होती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अमेजन पे को बड़ा झटका देते हुए 3.06 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है।
आरबीआई ने इसकी जानकारी शुक्रवार को दी है। जुर्माना प्रीपेड भुगतान उपकरणों और अपने ग्राहकों को केवाईसी से संबंधित कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने पर लगाया गया। इंदौर टेस्ट में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। यह मैच तीसरे दिन के पहले ही सेशन में समाप्त हो गया। इंदौर पिच की पहले दिन से ही लगातार आलोचना हो रही थी। कई दिग्गजों और क्रिकेट फैंस पिच पर सवाल उठा रहे थे। अब आईसीसी ने इंदौर पिच को खराब रेटिंग दी है। यह रेटिंग आईसीसी पिच एंड आउटफील्ड मॉनिटरिंग प्रोसेस के तहत दी गई है। इसके साथ ही मैच रेफरी की रिपोर्ट के बाद होलकर क्रिकेट स्टेडियम को 3 डिमेरिट रेटिंग भी दिए गए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट को कार्गो ट्रांसिट पेमेंट हब बनाने को लेकर भारत सरकार की ओर से अनुमति प्रदान कर दी गई है। इसके तहत शुक्रवार को बांग्लादेश की राजधानी ढाका से पहला शिपमेंट दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचा। इससे लेकर गत 7 फरवरी 2023 को दिल्ली एयरपोर्ट ऑपरेटर दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बांग्लादेश और अन्य वैश्विक गंतव्यों के बीच कार्गो निर्यात करने के लिए कार्गो ट्रांसशिपमेंट अब विकसित करने को लेकर आधिकारिक अनुमति प्रदान की गई थी। इंडियन सुपर लीग में शुक्रवार को बेंगलुरु एफसी और केरल ब्लास्टर्स के बीच मैच में भारी ड्रामा देखने को मिला। श्री कांति रावा स्टेडियम में खेले जा रहे प्लेऑफ मैच के दौरान बेंगलुरु और केरल की टीमों के बीच विवाद हो गया। इसके बाद केरल के खिलाड़ी विरोध में लाइव मैच बीच में छोड़कर मैदान से बाहर निकल गए। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए शुक्रवार को सीरियस जनरल अनिल चौहान ने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने भारत की आत्मनिर्भरता के साथ रक्षा क्षेत्र की और अधिक मजबूती पर भी जोर दिया। सीरियस ने कहा कि पिछले 2 या 3 वर्षों के भीतर भारत सरकार की ओर से जो कदम उठाए गए हैं वो आवश्यकता से कहीं अधिक कम है। हमें और बड़े कदम उठाने की जरूरत है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है विपिन लाल वर्मा, एमडी शाकिर हुसैन, स्वर्णेश्वर कुमार, एमडी नौशाद राजा, बाबूलाल मरांडी, नुन्नू गोलू कुमार, कुष्टेंद्र कुमार सिन्हा और महमूद अंसारी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, भारत में आयुर्वेद को बढ़ावा देने से क्या लाभ होगा। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।